महिला मुखबिर की सूचना पर क्लॉक टावर थाना पुलिस ने दो सटोरियों को किया गिरफ्तार। केसरगंज सब्जी मंडी इलाके में लंबे समय से संचालित हो रहा है अवैध जुए सट्टे का कारोबार। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस बैंक कॉलोनी चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। केसरगंज पुलिस चौकी पर महिला मुखबिर की सूचना पर क्लॉक टावर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए केसरगंज सब्जी मंडी इलाके में अवैध रूप से जुए सट्टे के कारोबार पर दबिश देकर दो सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया। आरपीएस छवि ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए सटोरिये दिलीप गोलवानी और लक्की उर्फ मोहित के कब्जे से 2350 रुपये की सट्टा राशि बरामद की गई है, जबकि मुख्य सटोरिया भागने में कामयाब रहा। गौरतलब है कि केसरगंज सब्जी मंडी में जनता वर्ली, कल्याण आदि नामों से रोजाना सट्टे का कारोबार होता है। कई बार स्थानीय पुलिस चौकी के पुलिसकर्मी दबिश भी देते हैं, पर कार्रवाई की सूचना सटोरियों तक पहुंच जाती है और वह गायब हो जाते हैं। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। ये हमें एक महिला मुखबिर हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ऐसे केसरगंज जो चौकी है उस एरिया के अंदर मंडी एरिया में सट्टा चल रहा है, तो हमने वहां पर दबिश दी और हमारी टीम ने दो जनों को पकड़ा है। इसके अंदर मेन जो सटोरिया था वो मौके से चला गया, वो हमारे को दस्तयाब नहीं हुआ, परंतु दो जने जो पकड़ में आए हैं, एक है दिलीप गोलवानी जिनकी उम्र 39 इयर्स और दूसरे है लकी उर्फ मोहित जो 26 वर्ष के हैं। इनसे राशि हमें 2350 रुपए करीब बरामद हुई है। कौन सा चल रहा है, किस तरीके से? ये जैसा कि हमें थोड़ा समझ में आया है और जो शुरू की पूछताछ है उसमें, वो कोई कल्याण की लॉटरी खुलने वाली थी जी।